शुक्रवार को जनपद के आकांक्षात्मक विकास खंड पंडरी कृपाल के ग्राम तेलियानी उपाध्याय में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु शिलान्यास विधि विधान पूर्वक किया गया, जिसमें जनपद में कुल 58 नए आंगनबाड़ी भवन निर्मित होंगे। साथ ही साथ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विकास विभाग द्वारा संचालित होने वाली हॉट फूड मिल्क योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जनपद में संचालित 395 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा ग्रहण वाले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के 28,231 बच्चे लाभान्वित होंगे। शुक्रवार को बाल विकास पुष्टाहार विभाग में बड़ा दिन रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु शिलान्यास किया गया। साथ में प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु हॉट क्विड मिल योजना की शुरुआत इसी क्रम में जनपद गोंडा में जिलाधिकारी नेहा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी एम अनुरमुली द्वारा योजना के शुभारंभ किया गया। पंडरी कृपाल ब्लॉक के ग्राम तेलियानी उपाध्याय के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जिलाधिकारी के आगमन के पश्चात जिला कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। तदुपरांत भूमि पूजन कर नए बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र का शिलान्यास किया गया। जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए सभी को बधाइयां दी एवं सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पंडरी कृपाल ब्लॉक में कुल 5 तथा पूरे जनपद में कुल 58 आंगनबाड़ी भवनों हेतु शिलान्यास आज किया गया। बाल विकास विभाग द्वारा 2 लाख, पंचायत राज विभाग द्वारा 2 लाख और मनरेगा द्वारा 7,84,000, इस प्रकार से कुल 11,84,000 की राशि एक आंगनबाड़ी भवन में निर्मित होगा। प्राथमिक विद्यालय के ही कक्ष में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र पर आए हुए 3 से 6 वर्ष 43 बच्चों को जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने हाथों से गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। साथ ही साथ केला लड्डू का वितरण किया गया। सभी बच्चे गर्मा गर्म भोजन खाकर बहुत खुश हुए। अब ये योजना पूरे जनपद में चलेगी। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बाल विकास, शिक्षा, पंचायती राज आदि विभाग का भी सहयोग है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बच्चों हेतु भोजन का निर्माण विद्यालय के रसोइये द्वारा किया जाएगा। रसोइयों को इसके लिए अतिरिक्त मानदेय प्रति बच्चा 50 पैसा बाल विकास विभाग द्वारा ग्रीम किया जा रहा। गेहूं और चावल की आपूर्ति कोटेदार के यहां कराई जा रही है, जबकि आंगनबाड़ी और संबंधित ग्राम प्रधान का संयुक्त बैंक खाता संचालित करवा दिया गया है, जिसमें पैसा हस्तांतरित किया जा रहा। इसी पैसे से आंगनबाड़ी द्वारा दाल, सब्जी, तेल, मसाला आदि रसोइयों को दिया जाएगा। इस प्रकार यह महत्वाकांक्षी योजना आंगनबाड़ी केंद्रों न केवल बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि कुपोषण दूर करने में भी अति सहायक होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मेंद्र गौतम, जिला समन्वयक मिड डे मिल खंड शिक्षा अधिकारी, पंचायत सचिव, सहायक अध्यापक, मुख्य सेविका उर्मिला देवी, उमा देवी, लिपिक ताराचंद्र, नंद कुमार, मंटू, संजय, ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे। गांव के सभी सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, आज का ये जो दिवस है, आज हम लोगों ने धरती माँ का पूजन करते हुए आपके इस प्रांगण में एक आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की नींव रखी है। तो एक बार तो जोरदार तालियां इस सरकार के कार्य के लिए। इतने अच्छे मुहूर्त में देव उत्थान एकादशी के बाद आज का जो दिवस है, सभी देव उठ गए हैं और सभी देवों ने अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद आपके इस गांव को प्रदान किया है और आज हम सबने उनका आह्वान करके इस कार्य को शुरू किया। साथ ही साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहुत ही उनका जो संवेदनशील और दिल के करीब एक मुद्दा है, वो है कि सभी बालक बालिकाएं जो हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य है, उनके पोषण में संवर्धन, ये कार्य कैसे हितकारी रूप से हो सके, सभी जनमानस के बीच में इस कार्य को और मजबूती मिल सके, तो आज उनके तत्वाधान में हॉट फूड योजना का पुनः शुभारंभ हो रहा है। ये पहले डिपार्टमेंट में चलती थी, यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, पहले के पुराने लोग भी होंगे जिनके बच्चों ने शायद ICDS का पंजीरी केवल नहीं खाया बल्कि हॉट फूड भी खाया होगा। तो ये भी एक योजना जो है इस पूरे क्रम में पोषण जो है, पोषण पोषाहार जो है, पोषक तत्व जो है, जो हमारे रोज की खुराक में बच्चों के लिए होने चाहिए, उस कड़ी को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। पूरे प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं, वे बच्चे
केवल सूखा आहार ही नहीं बल्कि उनके लिए गर्मा गर्म हॉटफुट भोजन की